आईपीएल 2020 की नीलामी में कई ऐसे चेहरों को मोटी रकम में टीमों ने अपने साथ जोड़ा है जिन्हें क्रिकेट के मैदान पर ज्यादा नहीं देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और रणजी मैचों में इन खिलाड़ियों को ज्यादा मौका नहीं मिला, पर छोटे स्तर पर ही अच्छा प्रदर्शन कर इन खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपनी जगह बना ली। जी हाँ, ऐसे ही एक खिलाड़ी का नाम है दिग्विजय देशमुख। जी हाँ, दिग्विजय इससे पहले एक बॉलीवुड मूवी में भी काम कर चुके हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस में 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया गया है। दिग्विजय इससे पहले बॉलीवुड की फिल्म काय पो चे में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में उन्होंने अली हाशमी का किरदार निभाया था। अली हाशमी फिल्म में एक ऐसा लड़का है जो क्रिकेटर बनना चाहता है। सुशांत और बाकी किरदार मिलकर इस लड़के को क्रिकेटर बनाते हैं। इस फिल्म में सुशांत, दिग्विजय देशमुख, अमित शाह, राजकुमार राव, मानव कौल और बाकी किरदार भी शामिल थे। 21 साल के दिग्विजय देशमुख महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच और 60 T20 मुकाबले खेले हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजी के अलावा दिग्विजय उपयोगी मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। अपने छोटे से करियर में उन्होंने 104 रन बनाए और 15 विकेट भी निकाले। इस आईपीएल ऑक्शन में दिग्विजय का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। उन्हें इसी कीमत पर मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन दिग्विजय देशमुख क्रिकेट से ज्यादा बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि जब ये छोटा बच्चा अब आईपीएल के बड़े मैदान पर अपना गेम दिखाएगा तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की चिंगारी देखने को मिलेगी। वैसे भी इस आईपीएल में हमेशा यही होता है, गेम बनाएगा नीम, तो अब यहाँ पर गेम दिखाना है और अब आगे बढ़ना है। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।